हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों आपको पता है कि कवियों के उपनाम बहुत पूछे आते हैं। दोस्तों क्या बहुत बार ऐसे उपनाम पूछे आते हैं दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों तो हम इन्हीं के बारे में आज देखने वाले हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में, पुलिस में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे कि पूछ जाता है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, ठीक है, एक भारतीय समाज किसको कहते हैं, भारतीय आत्मा किसको कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकवि किसको कहते हैं, तो आदिकवि किसको कहते हैं, हिंदी का आदिकवि किसको कहते हैं, तो वाल्मीकि जी को दोस्तों, ठीक है। वाल्मीकि के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी का आदिकवि, यानी कि इनका देखिए इधर मूल नेम है, मतलब ओरिजिनल नेम है, और इधर उपनाम किस नाम से पुकारते हैं, विद्यापति को क्या कहा जाता है, सॉरी स्वयंभू को क्या कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि। दोस्तों क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों। और अपभ्रंश पता होगा दोस्तों, इसी से सारी हिंदी भाषा निकली हुई है दोस्तों। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, स्वयंभू। वैसे स्वयंभू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो दोस्तों, किससे, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को हम स्वयंभू कहते हैं दोस्तों। तो स्वयंभू को तो क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्यापति दोस्तों, विद्यापति दोस्तों, ठीक है। विद्यापति को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिनव जयदेव बोलते हैं दोस्तों, और मैथिल कोकिल बोलते हैं। इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की थी दोस्तों, इसलिए इन्होंने इतनी अच्छी रचना कर दी दोस्तों, इसीलिए इन्हें कैसे नाम जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाने लगा। किस नाम से दोस्तों, मैथिल कोकिल। क्वेश्चन आएगा कि अभिनव जयदेव के नाम से किसे जानते हैं, तो विद्यापति बताना है दोस्तों, और मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, तो विद्यापति बताना। और दोस्तों विद्यापति को प्रथम गीतकार भी मानते हैं हिंदी का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूरदास, सूरदास को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अष्टछाप का जहाज भी बोलते हैं दोस्तों, और वात्सल रस सम्राट बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा वर्णन किया इन्होंने श्री कृष्ण के बाल अवस्था का दोस्तों, ठीक है। वात्सल रस में आपको पता है कि इसमें ममता दिया था दोस्तों, छोटे बच्चों के प्रति ममता का प्रेम होता है दोस्तों, और उसी का वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, बहुत बारीकी से, इसीलिए इनको वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। किसको दोस्तों, सूरदास जी को दोस्तों, ठीक, किसे, सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं दोस्तों। और आपको बताना है कि इनके गुरु का क्या नाम दोस्तों, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी का जातीय कवि बोलते हैं। किसको, तुलसीदास जी को दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं केशवदास जी को क्या बोलते हैं, तो केशवदास जी को क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। क्या बोल दोस्तों बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। किसको बोलते हैं दोस्तों, केशव दास जी को। अब देखिए भारतेंदु मैथिलीशरण गुप्त को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम राष्ट्र कवि, ठीक है। और उनकी रचना है भारत भारती, वो क्या है, राष्ट्रीय रचना, ठीक, प्रथम राष्ट्रवादी रचना दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर पूछ ले कि प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं या फिर राष्ट्र कवि के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, उसे मैथिलीशरण गुप्त। इनकी रचना भारत भारती और साकेत दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी, मैथिलीशरण गुप्त जी की। चलिए अगला है जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्हें कलाधर कहते हैं, और आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से भी जाना था। क्या दोस्तों, कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रकृति का सुकुमार दोस्तों। क्या, प्रकृति का सुकुमार किसको बोलते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये महादेवी वर्मा, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं दोस्तों, और इनका जन्म फरुखाबाद में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या, माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों, इन्हें एक भारतीय आत्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं एक भारतीय आत्मा दोस्तों। किसको, माखन लाल चतुर्वेदी को दोस्तों। वहीं हरिवंश राय बच्चन क्या बोलते दोस्तों, हालावादी कवि। ये क्या है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं दोस्तों, और इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान भी दिया गया था दोस्तों। किस, क्या दिया गया, प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया इनकी आत्मकथा के लिए दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अज्ञेय जी को क्या बोलते दोस्तों, कठिन का गद्य का प्रेत है दोस्तों, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को, और कठिन गद्य का प्रेत इसको अज्ञेय जी को। किसका, इनका पूरा नाम क्या है, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वास्या अज्ञेय, ये याद रखेंगे। देखिए धनपत राय
का जो निक नेम था दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे दोस्तों, और इन्हें भारत का मैक्सिम गोर्की कहते थे दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए प्रेमचंद रियल नेम नहीं था, उनका उपनाम था, उनका रियल नेम क्या था, धनपत राय दोस्तों, ठीक, इसका मुंशी प्रेमचंद जी का दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वृंदालाल वर्मा क्या बोलते दोस्तों, तो वृंदालाल वर्मा क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंदर बरदाई दोस्तों, क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंदर बरदाई दोस्तों, ठीक है। वहीं राजेंद्र बाला घोष क्या बोलते हैं, बंग महिला दोस्तों, ये पहली महिला लेखक थी दोस्तों, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, बंग महिला किसको बोलते हैं दोस्तों, तो राजेंद्र बाला घोष जी को दोस्तों बंग महिला के नाम से जाना जाता। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, किशोरी दास वाजपेयी क्या बोलते दोस्तों, तो किशोरी दास वाजपेयी को हम हिंदी का पाणिनि कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पाणिनि। आपको पता होगा कि संस्कृत में पाणिनि ने व्याकरण लिखा था दोस्तों, और उस व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी दोस्तों, ठीक है, अष्टाध्यायी। तो उसी प्रकार से हिंदी का पाणिनि किसको बोलने लगे हम दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी जी को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गजलों का राजकुमार, हिंदी गजलों का राजकुमार किसको, दुष्यंत कुमार को, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो याद रखेंगे हिंदी गजलों का राजकुमार किसको बोलते हैं, दुष्यंत कुमार को दोस्तों। और वहीं रसवादी आलोचक किसको बोलते हैं, तो नगेंद्र को, डॉक्टर नगेंद्र को क्या बोलते हैं, रसवादी आलोचक दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेमचंद जैन को क्या बोलते हैं, आलोचकों का आलोचक दोस्तों, किसको कहा जाता है, नेमचंद जैन जी को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें भी कई बार पूछा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह किसको बोलते हैं, कवि के कवि को हम क्या बोल देते हैं, शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों, ठीक। वहीं पर हिंदुस्तान का तोता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमीर खुसरो, इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं, तोताए हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो याद रख लेंगे अमीर खुसरो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कहां हुआ था, कासगंज पटियाली में दोस्तों, ठीक, जो पहले एटम पड़ता था, अब से अलग हो गया कासगंज पटियाली दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो सरापा दोस्तों, क्या, सरापा माने जाते हैं हिंदी के प्रथम कवि दोस्तों। और वहीं प्रथम सूफी कवि हिंदी के कौन है दोस्तों, तो प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाईत है दोस्तों, कौन, असाईत दोस्तों, क्या है, हिंदी के प्रथम कवि दोस्तों, ठीक, प्रथम सूफी कवि, सॉरी, प्रथम सूफी कवि असाईत है, और प्रथम कवि कौन है, सरापा है दोस्तों, ठीक है। वहीं देखते हैं भिखारी ठाकुर क्या बोलते दोस्तों, तो भिखारी ठाकुर को हम बोलते हैं भोजपुरी का भारतेंदु, या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर दोस्तों, ठीक है, भोजपुरी का भारतेंदु, या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते दोस्तों, किसको हम, भिखारी दास ठाकुर जी को दोस्तों, याद रखेंगे बहुत बड़ा योगदान इनका भोजपुरी में दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं घनानंद, घनानंद को क्या बोलते हैं, तो प्रेम का पीर बोला था, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेम का पीर बोलते हैं दोस्तों, किसको, घनानंद को दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करते हैं कबीर दास की दोस्तों, तो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाणी का डिक्टेटर, किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला था, वाणी का डिक्टेटर किसको, कबीर दास को दोस्तों। वहीं कालिदास को क्या बोलते दोस्तों, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था दोस्तों, क्या बोला जाता था, भारत का शेक्सपियर दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आया था दोस्तों, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता दोस्तों, तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या कहा जाता दोस्तों, ठीक है, किसको क्या कहा जाता दोस्तों। तो चलिए आपके लिए इतना ही काफी था दोस्तों, और एक चीज बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर हमने यूपीएस स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कराया दोस्तों, उसे देख लीजिएगा, और टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट यहां से जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी के मैराथन वीडियो हमने बना रखी है, अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अपनी हिंदी मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें आपको यहां से प्रोवाइड हो जाएंगी, आप जाकर के देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।